बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सामान्यतः लोग अपनी जरूरत के हिसाब से बर्तन खरीदते हैं धनतेरस पर, बहुत सारे लोग सोने चांदी का सिक्का खरीदते हैं, बहुत सारे लोग आभूषण खरीदते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन क्या जरूर खरीदना चाहिए, जो खरीदना धनतेरस के दिन जरूरी है वो कौन सी चीज है और जरूर क्यों खरीदनी चाहिए। देखिए, धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन जरूर खरीदिएगा, और अगर ये बर्तन पानी का बर्तन हो, जैसे गिलास हो, लोटा हो, कलश हो, जग हो, अगर पानी का बर्तन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ये आप धनतेरस के दिन खरीदिए। गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदिए, और ये दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, ज्वाइंट मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। खील बताशे और मिट्टी के दीपक भी धनतेरस के दिन ही खरीदे जाएंगे, जिनसे आप दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। एक बड़ा दीपक भी जरूर खरीदिएगा, जो दीपावली की मुख्य पूजा में प्रयोग किया जाएगा, दीपावली की मुख्य पूजा में इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर आपको कोई यंत्र वगैरह खरीदना है तो मैं चित्रों वाला यंत्र खरीदने को नहीं कहूंगा कि आप चित्र वाला या मंत्र वाला कोई यंत्र खरीदिए। नंबर्स वाले जो यंत्र होते हैं, अंकों के जो यंत्र होते हैं, ये आप धनतेरस के दिन जरूर खरीद सकते हैं, और इस यंत्र की पूजा भी आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं। धनतेरस पर जो मुख्य पूजा होती है वो संध्या काल में प्रदोष काल के आसपास होती है, तो प्रदोष काल में ही आप भगवान कुबेर की पूजा करें, भगवान धन्वंतरी की पूजा करें, और जो यंत्र आपने खरीदा है, नंबर्स वाला यंत्र, अंकों वाला यंत्र, उस अंकों वाले यंत्र की भी आप धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं। धनतेरस पर यंत्रों को बनाना, यंत्रों का निर्माण करना और यंत्रों की पूजा करने का भी बड़ा महत्व है। तो अगर आप कोई नंबर वाला यंत्र बनाना चाहते हैं या नंबर वाला कोई यंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस बार धनतेरस पर यानी 22 अक्टूबर को शाम को 6:02 के बाद आप यंत्र ला करके उसे सिद्ध कर सकते हैं, कोई सिद्ध यंत्र बना सकते हैं या यंत्र से संबंधित पूजा कर सकते हैं।